बदायूं जनपद में मांस मछली का कारोबार बिना लाइसेंस के अवैध रूप से खुले में चल रहा है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग का पूरा संरक्षण उसको मिला हुआ है। धर्मस्थलों के पास, शिक्षण संस्थाओं के पास, चिकित्सालयों के पास, सार्वजनिक भवनों के पास मांस मछली का कारोबार नहीं हो सकता, ना ही उसका लाइसेंस दिया जा सकता है। लेकिन इस व्यवस्था का खुलेआम बदायूं में उल्लंघन हो रहा है। तहसील परिसर बदायूं के ठीक बराबर में मांस मछली का एक बहुत बड़ा बाजार चल रहा है। एक भी लाइसेंस नहीं दिया गया है, किसी को मांस काटने का लाइसेंस नहीं है। वहाँ 90 परिवार निवास कर रहे हैं, लगभग 600-700 नागरिक हैं उन परिवारों में, जो नारकीय जीवन जी रहे हैं। मांस मछली काटने के बाद उसका अवशेष वो वहीं डाल देते हैं, बड़ी दुर्गंध फैलती है। अधिकांश जो वहाँ के निवासी हैं रोगी हो गए हैं, उनके यहाँ रिश्तेदार नहीं आते हैं, उनके बच्चों की शादियाँ बहुत मुश्किल से हो रही हैं। एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है ये। अनेक बार इस पर शिकायतें की, पिछले साल भर से इस मुद्दे पर भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान लगा हुआ है। महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ से जांच के आदेश हुए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उन्हें पत्र दिया गया, उस पर जांच हुई, प्रशासन ने झूठी आख्या प्रेषित कर दी। लेकिन ये अवैध कारोबार बंद नहीं कराया गया है। क्या वहाँ के DM साहब से आपने शिकायत करी थी? हाँ, जिला अधिकारी बदायूं को हम लोगों ने कई बार इस संबंध में पत्र दिए। बदायूं जनपद में मार्च निकाला, धरना प्रदर्शन किए, उनके कार्यालय पर राष्ट्रराग का कीर्तन किया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला प्रशासन बदायूं से जब हम लोग निराश हो गए, तो आज न्याय की आशा लेकर सभी लोग आयुक्त बरेली के कार्यालय में आए हैं, उनके सामने हमने अपनी समस्या रखी है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि समस्या के निदान के लिए हम आवश्यक उपाय करेंगे।